नमस्ते, मैं डॉक्टर नेहा राय, मैं चोइथराम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से न्यूरोलॉजिस्ट। आप सभी के सामने आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे पर कुछ लखनऊ के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट बातें शेयर करना चाहूँगी। लखवा, जैसा कि हम जानते हैं, लखवा या मस्तिष्क आघात या जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोक, ये एक बहुत कॉमन बीमारी है। हम काफ़ी कॉमनली इस बीमारी को देखते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। ब्रेन में इंजरी होना, जो कि थक्का जमने के कारण हो सकता है या फिर नस फटने के कारण हो सकता है। इन दोनों ही लखवे अलग अलग प्रकार के रहते हैं, पर ट्रीटमेंट दोनों का विभिन्न है, दोनों का ट्रीटमेंट अलग है। जहाँ नस फटती है वहाँ थक्का गलने की दवाई या थक्का ब्लीडिंग रोकने की दवाई दी जाती है, और जहाँ पर थक्का जमता है वहाँ पर खून पतला करने की या थक्का गलाने की दवाई दी जाती है। अब अगर हम कॉमन स्ट्रोक की बात करें तो सबसे कॉमन 85% जो स्ट्रोक रहते हैं वो इश्चिमिक स्ट्रोक रहते हैं या थक्का जमने के कारण स्ट्रोक रहते हैं। हमारा ब्रेन की अलग अलग कोशिकाएं एक निर्धारित काम करती हैं। जैसे हाथ हिलाने के लिए एक अलग कोशिकाएं रहती हैं, मूवमेंट करने के लिए या पैर हिलाने के लिए अलग तरह की नसें निर्धारित रहती हैं। अब लखवे के सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि आम तौर पर किस जगह पर ये थक्का जमा है। अगर ब्रेन में हाथ हिलाने की जगह पर थक्का जमता है तो अचानक हाथ हिलाने में दिक्कत हो जाती है। आम तौर पर लखवे के सिम्टम्स जो रहते हैं वो सडन रहते हैं। सडन मतलब नॉर्मल से कोई भी चीज़ अगर अचानक हो रही है तो हमें लखवे को या स्ट्रोक को सस्पेक्ट करना चाहिए। कॉमन सिम्टम्स रहते हैं बोलने में दिक्कत होना। बोलने में दिक्कत से मतलब है अगर बोली लड़खड़ाकर हो रही है, शब्द क्लियर नहीं हो रहे हैं, जीभ या मुंह टेढ़ा हो रहा है या बोली समझ नहीं आ रही है, या जो बोल रहा है पेशेंट वो कुछ अजीब सा बोल रहा है और ये सडन हो रहा है। इसके अलावा अचानक हाथ की कमजोरी या पैर की कमजोरी, आमतौर पर लखवा एक साइड का एक धड़ की कमजोरी को लखवा बोलते हैं। अगर इनमें से किसी भी सिम्टम्स को हम देख रहे हैं तो ये ब्रेन की क्षति के कारण हो रहे हैं। ये थक्का गलने या नस फटने दोनों के कारण हो सकता है। दोनों ही प्रकार के लखवे के सिम्टम्स एक जैसे होते हैं, तो सिर्फ पेशेंट को देखकर आमतौर पर हम नहीं बता सकते कि ये थक्का जमा है या नस फटा है। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोग लखवे के सिम्टम्स जल्द से जल्द पहचानें और इमीजिएटली नज़दीकी बड़े अस्पताल पहुँचे, जहाँ पर इमेजिंग की व्यवस्था हो, जहाँ CT MRI हो और जहाँ पर न्यूरोलॉजिस्ट की अवेलेबिलिटी हो। थक्का गलने वाले लखवे को इजीली या अच्छी तरह से ट्रीट करा जा सकता है अगर थक्का गलने की दवाई 4.5 घंटे के अंदर में दी जाए। पेशेंट को लखवा होते से अगर 4.5 घंटे के अंदर लखवा गलने का इंजेक्शन दिया जा सकता है तो लखवे के कारण जितना भी ब्रेन में क्षति हुआ है, जो ब्रेन की नसों में, जो ब्रेन के कोशिकाओं में जहाँ पर ब्लड नहीं पहुँचा है, उन सबको वापस से रीपरफ्यूज करा जा सकता है और इसके कारण पेशेंट को एक नई जिंदगी प्रदान कर दी जा सकती है। तो सही समय पर ट्रीटमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो सकती है। लखवा क्यों हुआ है, कहाँ हुआ है, किस तरह का हुआ है, कब हुआ है या हम क्या करें आगे, किसी भी चीज़ पर ना समय वेस्ट करते हुए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इमीजिएटली reach to a nearby hospital where you can find a neurologist and imaging facilities, ताकि immediately reperfusion जैसी therapy patient को सही समय पर provide की जाए। Usually लखवे के जो कारण रहते हैं वो blood pressure, diabetes, sedentary lifestyle, cholesterol की गड़बड़ी, मोटापा, ये सारे लखवे के कारण रहते हैं, जिसपे हमें पहले से ही preventive measures लेना चाहिए। डायबिटीज का अच्छा कंट्रोल होना, ब्लड प्रेशर का प्रॉपर कंट्रोल होना, डेली अच्छी फिजिकल एक्टिविटी, डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फल हरी सब्जियां लेना और पानी की मात्रा ज़्यादा लेना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे हम अपनी लाइफ बदल सकते हैं, हम लखवे को होने से बचा सकते हैं। सो टुडे टुगेदर वी कैन प्रिवेंट स्ट्रोक। On this World Stroke Day, let us take a pledge to stay healthy, to drink a lot of water, to do good physical exercise, and jinka blood pressure or diabetes hai, usko proper roop se manage aur maintain karein.